Students, in this session, we will talk about your descriptive writing, that is essay writing. Because when we talk about SBIPO mains, you need to write down an essay in your examination. So in this session, we will talk about how you can write a perfect mark scoring essay. So when it comes to your essay writing, you need to remember one simple formula, that is P, E, L, and S. If you take care about this formula, you will never regret in your essay writing skills. When it comes to your essays, P-E-E-L-S formula, isme aapko karna kya hai? P stands for main point. What does this P? Here means P stands for main point. Aapke essay mein एक मेन पॉइंट जरूर होता है एंड फ्रॉम वेयर दिस वी गेट दिस मेन पॉइंट फ्रॉम द टाइटल इटसेल्फ. आपका टाइटल जिस चीज के बारे में बात कर रहा होता है वही मेन पॉइंट होता है. अपने लिसनर को या अपने व्यूअर को इधर उधर की बातें मत सुनाइए, बिल्कुल टारगेट पे हिट कीजिए. सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास में एक पेपर आया है, हमारे पास में पेपर में एक ऐसे आता है, डू यू फील रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब और सेक्टर इज गुड. सपोज दिस इज आवर एसे इन योर एग्जामिनेशन. तो इस टाइटल का टारगेट पॉइंट क्या है? इस टाइटल का टारगेट पॉइंट है रिजर्वेशन. तो मेन पॉइंट में एक्सप्लेन दिस रिजर्वेशन. ओके, तो दिस इज पी. नाउ व्हेन इट कम्स टू द ई, ई स्टैंड्स फॉर एविडेंस. आपने जो भी मेन पॉइंट लिखा है उसे एविडेंस से प्रूव कीजिए. एविडेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल. एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ. आप जो भी चीज उसको लिख के दे रहे हैं उसे प्रूफ कीजिए कि अगर मैं फेवर में हूं तो मैं क्यों हूं, और अगर मैं डिसफेवर कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं. उसके बाद द नेक्स्ट ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्लेनेशन. आपने देखिए सारे पॉइंट इंटर कनेक्टेड हैं. मेन पॉइंट का रिलेशनशिप है एविडेंस के साथ. जो भी मेन पॉइंट देंगे उसको एविडेंस से प्रूफ करना पड़ेगा. एविडेंस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर मैं ये प्रूफ दे रहा हूँ तो ये मैंने कहाँ से लिया है, क्यों लिया है. तो इसमें आपका व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ सब आ जाएगा. ठीक, उसके बाद से एल स्टैंड्स फॉर लिंक्स. आपको जब एक पैसेज से दूसरे पैसेज पे जाना है, दूसरे से तीसरे पे जाना है, तो आपको लिंक्स प्रोवाइड करने हैं ताकि आपका जो एग्जामिनर है वो जब पैसेज को स्किप करे, स्विच करे, तो उसको पता हो कि उसने पहली लाइन में क्या पढ़ा था और पहली लाइन का, पहले पैसेज का एंड जिस भी टाइटल से हुआ है, जिस भी वर्ड से हुआ है, वो आगे कैसे कनेक्ट होगा. इसमें कैसे वर्ड्स आ सकते हैं? इसमें वर्ड्स आ सकते हैं मोर ओवर, इन, एडिशन टू, हाउएवर, फर्स्टली, सेकेंडली, एटसेट्रा. ऐसे वाले वर्ड्स, ये लिंकर्स होते हैं. नाउ दिस एस स्टैंड्स फॉर स्टाइल. थ्रू आउट फॉर्मल स्टाइल. आपको अपने ऐसे में टिपिकल फॉर्मल स्टाइल फॉलो करना होता है. जो आपका एग्जामिनर है वो आपका फ्रेंड या रिलेटिव नहीं है, आप उससे कैजुअल टॉक नहीं कर सकते, आपको फॉर्मल स्टाइल फॉलो करना होता है. तो सबसे पहले मेन पॉइंट दीजिए, उसके बाद उसको एविडेंस से प्रूफ कीजिए, एविडेंस को एक्सप्लेन कीजिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए लिंकर्स का यूज़ कीजिए और स्टाइल फॉर्मल फॉलो कीजिए. अब बात करते हैं आपको यहाँ पे आई का
यूज़ करना है कि नहीं, एक बड़ा इशू आता है स्टूडेंट्स को कि कैन वी यूज़ द वर्ड आई इन द एसे राइटिंग और नॉट. आपको याद रखना है, अगर आपका एसे आपसे आपका ओपिनियन मांग रहा है, अगर आपसे आपका ओपिनियन मांगा जा रहा है, जैसे मैंने यहां आपको लिख के दिया, डू यू फील रिजर्वेशन इज गुड गुड इन गवर्नमेंट जॉब्स, ओके इन वहां लिखा इन गवर्नमेंट जॉब सेक्टर एज डू यू फील रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब सेक्टर इज गुड. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या फील करते हैं. तो इन दिस काइंड ऑफ एसे जहाँ पे आपसे आपका ओपिनियन मांगा गया है, यू कैन यूज द टर्म आई. आई फील, आई पर्सनली फेवर दिस पॉइंट, या आई फील दैट दिस शुड नॉट हैपन. यहाँ पे आप आई का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका ऐसे आपसे आपका ओपिनियन ना मांग के जनरल व्यू मांग रहा है, जैसे किसी चीज़ के इसी के रिजर्वेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं, रिजर्वेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, रिजर्वेशन के प्रॉस एंड कॉन्स होते, तो वो जनरल व्यू होता जहाँ पे आई का यूज़ नहीं करना है. इसके बाद आपको याद रखना है कि अगर हमने यहाँ पे जो अप्रोच डिस्कस की है इसको और आसान करना हो तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि आपका एसे जो है 5 पैराग्राफ्स में डिवाइड होता है. 1 इज इंट्रो, जिसको हमने पील्स में मेन पॉइंट करके लिखा, ये आपका इंट्रो होता है. नाउ व्हेन इट कम्स टू नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ये आपके पैसेज की बॉडी होते हैं. नाउ व्हेन इट कम्स टू द बॉडी ऑफ द पैसेज, आपको बॉडी लिखनी कैसे है. अगर तो आपसे आपका ओपिनियन मांगा गया है तो आप एक फ्लो चार्ट की तरह एक फ्लो में लिखते जाएंगे. लेकिन अगर रिजर्वेशन के डिसएडवांटेज या फिर रिजर्वेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछे गए होते, तो सपोज मैं रिजर्वेशन को फेवर करती हूँ, तो मैं पहले 2 पॉइंट्स में, बॉडी के पहले 2 पॉइंट्स में, दैट इज नंबर 2 और नंबर 3 में क्या लिखती, एडवांटेज, और 4 में लिखती डिसएडवांटेज. अब मैंने ऐसा क्यों किया है, मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ऐसे राइटिंग में हम ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं बन सकते. हम जिस भी अप्रोच को फेवर करते हैं या डिसफेवर करते हैं, या फिर इन शॉर्ट जो आपका ओरिजिनल पॉइंट है उसको नंबर 2 और नंबर 3 में लिखिए और उसके अगेंस्ट को नंबर 4 में लिख दीजिए. बट ऑब्वियस ऐसा प्रॉब्लम सॉल्यूशन में नहीं होगा. क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम में पहले प्रॉब्लम ही आएगी. ठीक है जी. तो आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं या आप नापसंद करते हैं, जो भी आपका थॉट है, बॉडी के पहले 2 पैराग्राफ्स में अपना थॉट दीजिए और 4th में उसका अगेंस्ट थॉट दीजिए. उसके बाद बात करते हैं नंबर 5 की. नंबर 5 आपका क्रक्स होता है. क्रक्स का मतलब ये आपका कंक्लूजन होता है. यहां आपको क्या करना होता है, रीस्टेट एवरी पॉइंट यू हैव मेंशनड इन द पैराग्राफ्स. जो भी आपने 1, 2, 3, 4 जो भी आपने इन पैराग्राफ्स में लिखा है, इनमें से एक एक इंपॉर्टेंट लाइन निकालिए और अपना क्रक्स रेडी कर दीजिए. दिस इज ऑल अबाउट एसे राइटिंग. डरने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ याद रखना है कि आपके पास में एक मेन पॉइंट होना चाहिए. मेन पॉइंट आपको टाइटल से ही मिल जाएगा. जिस चीज़ के बारे में वो बात कर रहा होगा उसी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दीजिए. फिर उसको अगर उसके फेवर में बात कर रहे हैं तो पहले 2 पॉइंट्स में उसका फेवर लिख दीजिए, 4th में उसका डिसफेवर लिख दीजिए और वाइस वर्सा कर दीजिए और उसके बाद कर दीजिए कंक्लूजन. इसके बाद से इस अप्रोच को रखिए अपने सामने और एक ऐसे उठा के लिख के देखिए आपसे लिखते बनता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, व्हेन इट कम्स टू योर ऐसे राइटिंग, आपको याद रखना है, डोंट यूज बॉम्बेस्टिक लैंग्वेज. बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो यही सोचते रहते हैं कि वोकैबलरी कहाँ से लेके आए. तो वोकैबलरी का मतलब नहीं है यहाँ पे. जितना ज़्यादा सिंपल हो सके ऐसे को उतना ज़्यादा सिंपल रखिए, क्योंकि एग्जामिनर के पास आपकी वोकैबलरी चुनने का टाइम नहीं है कि हाउ हैवी वर्ड्स यू हैव यूज्ड. नो, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट इट. इट हार्डली मैटर्स फॉर दीज पीपल. वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आपने पैसेज के टाइटल में से कितनी इंफॉर्मेशन रिटेन
की है और इस इंफॉर्मेशन को कितना सक्सेसफुली आपने दोबारा उनके सामने प्रेजेंट कर दिया है। तो एक ऐसे लिख के देखिए, आई होप इसके बाद आपको ऐसे राइटिंग कभी भी टफ नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको वर्ड याद रखना है पील्स, और पील हम दिन में बहुत बार देखते हैं। जब भी मम्मी हमारी आलू छीलती हैं, दैट इज कॉल्ड पीलिंग इटसेल्फ। तो आपको पील्स याद रखना है, पॉइंट, एविडेंस, एक्सप्लेनेशन, लॉजिक या फिर लिंकर्स, और एंड में आपको स्टाइल फॉलो करना है। दिस इज ऑल अबाउट एसे राइटिंग। थैंक यू।